बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वात और वाक़यात जो जंगे ओहद और जंगे अहज़ाब के दरमियान वाक़ हुए। बद्रे सुग़रा का ज़िक्र। इससे पहले 15 रमज़ान 3 हिजरी को जनाबे अली और जनाबे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के यहाँ पहले फ़र्ज़ंद की विलादत हुई, जिसका नाम वही इलाही की बुनियाद पर हसन रखा गया, जो शब्बर का तर्जुमा था, जो जनाबे हारून के फ़र्ज़ंद का नाम नामी था। 3 शाबान 4 हिजरी को सद्दीक़ तायरा के दूसरे फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जो सैयदुल शुहदा कहलाए, जैसे जनाब हमज़ा सैयदुल शुहदा कहलाए थे। रब्बुल आलमीन ने रोज़े अव्वल ही से इस्लाम का फ़िदिया और ज़बह अज़ीम करार दिया था। इसी शाबान या ज़ीक़ादा में कुफ़ार उहद की इब्तदाई ज़िल्लत का बदला लेने के लिए, अबू सुफियान की बात की लाज रखने के लिए और इंतकाम दोबारा बदर की तरफ चले। जब अबू सुफियान ने मुसलमानों को धमकी दी कि साल आइंदा बदर के मौके पर हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसको जवाब में कह दो, इंशाअल्लाह ताला अहले अरब माज़िकादा में बदर में बाज़ार कायम किया करते थे और वहाँ जमा होकर खरीदो फरोख्त करते थे। जब उसका वादे का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, जंग के लिए तैयार हो जाओ। इन लोगों ने काहली बरती और नागवारी जाहिर की। उधर अबू सुफियान भी अपनी धमकी देने पर परेशान हुआ और सहल बिन उमरों को मदीने भेजा कि मुसलमानों को कुरैश के लश्कर की ज्यादती और असले और इरादे से डराए, शायद इन पर खौफदारी हो जाए। उस वक्त खुदावंद आलम ने आयत नाजिल करी, सूरह निसा की आयत नंबर 84, फ़ाकातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला नुकल्लिफ़ु इल्ला नफ्सका, यानी राय खुदा में जंग करो ए रसूल, सिवाय तुम्हारी अपनी ज़ात के तुम पर किसी की जिम्मेदारी नहीं। मोमिनीन को तरगीब और तहरीज से जंग पर करो, ताकि खुदा काफिरों के जुल्म और ज़र को तुमसे रोक दे, और खुदा का खौफ और रब सख्त और उसका अजाब बहुत शदीद है। जब यह आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए निकलने पर तैयार हुए और फरमाया, खुदा की कसम मैं जाऊँगा ख्वा मैं तना हूँ। जैसे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह आयतुल्लाह सिस्तानी भी इसी तरह से उन्होंने किया। यही रसूल अल्लाह की सीरत आयतुल्लाह खामनाई की भी ज़िंदगी को देखेंगे कि उन्होंने जो भी बात की, चाहे वो तना भी हो, तब भी उन्होंने वो काम करके दिखाया और दुनिया ने वो रिज़ल्ट देख लिया। खुदा की कसम, रसूल अल्लाह ने फरमाया, खुदा की कसम मैं जाऊँगा ख्वाह मैं तना हूँ और मेरे साथ कोई ना हो। अब्दुल्ला बिन रवा को मदीने में छोड़ा और मौलाए कायनात को हुक्म दिया और बदर की तरफ 70 सवारों के साथ, और बास कहते हैं कि 1500 अफराद थे, 10 घोड़े और तिजारत का बहुत सा माल साथ लिया, और माह ज़िकादा की शब अव्वल 4 हिजरी को बदर पर वारिद हुए और वहाँ पर 8 रोज़ तक मुकीम रहे और अपने सामान तिजारत में से एक एक दो दो धर्म का माल बेचते रहे, जिससे काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब बैठ गया। अबू सुफियान 2000 सवारों के साथ मक्के से बाहर निकला, 50 घोड़े साथ थे। वो मरा अल जहरान तक पहुंचा था कि अपने आने पर परेशान हुआ और कहा, यह खुशसाली का ज़माना है, चारा और घास कम है, दूसरे साल चलेंगे, जबकि दाना और घास चौपाइयों के लिए काफ़ी होगी। ये सुनकर सफ़वान बिन उमैया ने अबू सुफियान को मलामत की कि मैं कहता था कि उनसे जंग का वादा मत कर, अब अगर हमारी तरफ से वादा खिलाफ होगी तो उनकी जुर्रत का बायस होगी। आखिर वो लोग वापस चले गए और जंगे खंदक की तैयारी में मशगूल हो गए। आए जो आई हसबुनल्लाह व नेमल वकील, ये इसी गज़वे में नाजिल हुई थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।